वेलकम बैक टू रिसर्च एंड जूनियर्स। तो WBA 2023 काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप वाइज आपका कैसा क्या रहने वाला है इस साल, वही आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने एक PPT बनाया है जहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाला है एंड वही आप सभी के साथ शेयर करेंगे डिटेल्स में कि आपका सभी डाउट्स क्लियर हो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग राउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और अपग्रेडेशन राउंड एंड इसके साथ ही साथ मॉपअप राउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा। एंड ऐसा भी पॉइंट्स छोड़कर आपको अलग कोई पॉइंट्स जानने का जरूरत भी नहीं होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सही वीडियो मिल पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स के अंदर आपका फर्स्ट राउंड रहता है एंड फर्स्ट राउंड का फर्स्ट काम जो आपका होता है कि रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। एंड देन आपका आता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग करने के टाइम पर आपको आपका चॉइसेस पर बेस्ट प्रिफरेंस ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो सपोज आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये सभी ब्रांचेस का चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो आपका चॉइस फिलिंग बेस्ट प्रिफरेंस ऑर्डर पर होना चाहिए, मतलब आपका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा। तो आप ए सभी ब्रांचेस से जो ब्रांच को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो वो आपका फर्स्ट चॉइस होगा। देन आप जिसको प्रायोरिटी देते हो मतलब आपका सेकंड प्रायोरिटी सेकंड चॉइस होगा एंड थर्ड प्रायोरिटी थर्ड चॉइस होगा। ऐसे ही करके आप जो है आपका चॉइसेस फिलअप करोगे। वो आपका सेम कॉलेज का सेम ब्रांच के भी ब्रांच के साथ भी हो सकते हैं एंड अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ब्रांच के साथ भी हो सकते हैं। तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा, मतलब आपका बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर आपका बेस्ट प्रिफरेंस ऑर्डर होगा एंड वही आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप CSC को ज़्यादा प्रीफर करते हो मतलब प्रायोरिटी देते हो तो वो आपका फर्स्ट चॉइस होगा। एंड ऐसे ही करके अगर आप IT को सेकंड प्रायोरिटी देते हो तो वो आपका सेकंड चॉइस होगा। एंड ऐसे ही करके आप जो है अलग अलग जो है चॉइसेस को सिलेक्ट करोगे एंड वही आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर। एंड चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर आपका सीट अलॉटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका सीट अलॉटमेंट जब आपका होगा तो आपका जो सिस्टम है वो आपका ऑटोमेटिकली टॉप टू डाउन देखेगा एंड आपका रैंक में जो मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सीट अलॉटमेंट का ऊपर चॉइस फिलिंग का इफेक्ट। एंड इसके साथ ही साथ जब आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा तो फर्स्ट राउंड में जो आपका जो चॉइस आपको मिला है उसका नीचे और नहीं जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस से लेकर आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट तक फिर से टॉप टू डाउन देखेगा। एंड आपका रैंक में अगर और कोई कॉलेज आता है मतलब अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये आपका चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसीड्योर, ठीक है। तो ये आपका चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसीड्योर हो गया। एंड सेकेंड राउंड में आपको नया करके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उसका ऊपर बेस करके आपको सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। एंड मॉपअप राउंड में जाकर आप नया करके रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब कुछ कर सकते हो। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे धीरे धीरे, आप जो है सब कुछ जान पाओगे। तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखो। तो आपका सीट अलॉटमेंट हो गया। सीट अलॉटमेंट के बाद आपके पास दो कैटेगरी रहेगा, एक अलॉटेड कैंडिडेट्स रहेगा और एक रहेगा नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स। तो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स आपका डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। तो अलॉटेड कैंडिडेट्स का फर्स्ट काम होगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करने के लिए अगर अलॉटेड कैंडिडेट्स नहीं जाता है अलॉटेड कॉलेज तो उसका वो सीट भी कैंसिल हो जाएगा एंड इसके साथ ही साथ उसको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। एंड उसको जो है काउंसलिंग का थ्रू मतलब WBG जो ई काउंसलिंग होता है उसका थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड एलोटेड कैंडिडेट्स अगर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए एलोटेड कॉलेज जाता है एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है तो फिर जाके उसको जो है ES अपग्रेडेशन या फिर नो अपग्रेडेशन को एक करना होगा। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है जो आप सभी के साथ अभी हम शेयर करेंगे। तो ES अपग्रेडेशन तब कर सकते हो जब आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलेगा, मतलब अगर आपका सीट अलॉटमेंट सेकेंड और लेटर चॉइसेस पर होता है तो फिर जाके आप जो है अपग्रेडेशन कर सकते हो एंड इसके साथ ही साथ नो अपग्रेडेशन भी कर सकते हो अगर आपको सेकेंड या फिर लेटर चॉइसेस मिलता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन ही रहेगा, सेकेंड और लेटर चॉइसेस पर अपग्रेडेशन या फिर नो अपग्रेडेशन, तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड अगर आपको फर्स्ट राउंड पर फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है तो फिर जाके आपको एडमिशन लेना ही होगा, आपके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाता है तो आपका वहाँ पर अपग्रेडेशन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपग्रेडेशन मीन्स क्या होता है कि अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस अगर आपको मिलते हैं तो उसका ऊपर और भी कोई चॉइसेस रहता है जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो एंड वो कॉलेज और ब्रांच अगर आपको मिल जाते हो तो फिर जाके आपके लिए वो अच्छा है। तो फिर जाके आप जो है ये अपग्रेडेशन करते हो। बट अगर आपको फर्स्ट चॉइसेस मिल जाता है तो उसका ऊपर और कोई ब्रांच और कॉलेज नहीं रहता है कि आप जो है अपग्रेडेशन करोगे। तो बस इतना ही यहाँ पर। एंड इसके साथ ही साथ आपका प्रेजेंट अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकते हैं अगर आपका एकेडमिक स्कोर्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट पर कुछ मिस्टेक्स रहता है।
एंड अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पर कुछ मिस्टेक्स रहता है एंड आपका वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल रहता है तो फिर जाके आपको सेकेंड राउंड में एंट्री करने दिया जाएगा बट एज ए जनरल कैटेगरी। एंड इसके साथ ही साथ आपका येस अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन फॉर्म एंड नो अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन फॉर्म आपका WBJEE का ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। तो जब आपका अपडेट ये सब आ जाएगा तो आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा एंड इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो आपका फर्स्ट राउंड का फुल डिटेल्स हो गया, इसके बाद आप सभी के साथ शेयर करेंगे सेकंड और अपग्रेडेशन राउंड रिलेटेड हर एक डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन है, तो नॉट एलोटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड ऑन, तो ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन है जो आपका सेकेंड या फिर अपग्रेडेशन राउंड पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपका जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो आपका डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। एंड देन आपका कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर ईएस अपग्रेडेशन, तो जो लोग आपका फर्स्ट राउंड पर ईएस अपग्रेडेशन करने के लिए दिया था वो भी आपका सेकेंड या फिर अपग्रेडेशन राउंड पर आ जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फील्ड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड, तो ऑलरेडी मैंने आप सबके साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया ये रिगार्डिंग, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके बाद आपका अलॉटमेंट एंड आउटकम, तो यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड ये सब आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मस्ट नोट इफ द सीट इज अपग्रेडेड टू ए न्यू चॉइस देन योर प्रीवियस सीट विल बी कैंसिल एंड कैंट रिवर्स द अपग्रेडेशन प्रोसेस। तो अगर आपको अपग्रेड होकर कोई नया चॉइस मिल जाता है सेकेंड राउंड में और अपग्रेडेशन राउंड पर, तो आप जो आपका फर्स्ट राउंड का सीट रिक्लेम नहीं कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ अलॉटमेंट अपग्रेडेड टू फर्स्ट चॉइस अगर आपका हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका वो सीट भी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर जाकर आपको जस्ट वो कॉलेज का एडमिशन प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा एंड आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने जो फर्स्ट राउंड पर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर चुके होंगे। एंड इसके साथ ही साथ अलॉटमेंट अपग्रेडेड टू सेकेंड और लेटर चॉइसेस, तो अगर आपको सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो फिर जाकर आप एडमिशन ले भी सकते हो एंड एडमिशन नहीं भी ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका हाथ पे कोई और कॉलेज नहीं बचा हुआ रहेगा, तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लोगे कि नहीं। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको मॉपअप राउंड में जो कॉलेज मिलेगा तो उसके साथ ही आपको जाना होगा फर्दर इन फ्यूचर। एंड अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर जाके आपका हाथ में कोई भी कॉलेज नहीं रहेगा एंड आपको WBJEE काउंसलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लोगे कि नहीं। बट अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो एंड एडमिशन नहीं भी लेते हो तो आप बोथ केसेस में आप जो है मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। एंड इसके बाद आपका अलॉटमेंट इज़ नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, तो इसके लिए भी आपका सेम मे और मे नॉट टेक एडमिशन एंड कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, तो एडमिशन ले भी सकते एडमिशन नहीं भी ले सकते वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद ही आपका कैंडिडेट अलॉटमेंट कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फर्स्ट राउंड, तो सच कैंडिडेट्स का अगर अलॉटमेंट हो जाता है सेकेंड राउंड में जाकर तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है, यहाँ पर मैंने लिखा है। एंड इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी थिंग्स नहीं है यहाँ पर। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से अनसक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट का ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो फिर से आपका सेम रीजन पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो भी सकता है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है एंड आपका फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है, तो फिर से यहाँ पर मैंने जो बताया कि अलॉटमेंट अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस, यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसेस है कि आपको एडमिशन लेना ही होगा। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर जाके आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग देख लेना। एंड इसके साथ ही साथ वेरिफिकेशन डन एंड एलोटेड टू द सेकेंड और लेटर चॉइस, तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप जो एडमिशन ले भी सकते हो एडमिशन नहीं भी ले सकते हो। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका हाथ पे कोई कॉलेज नहीं रहेगा एंड आपको मॉपअप राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उसका ही थ्रू आपको जो है फर्दर इन फ्यूचर जाना होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप एडमिशन लोगे कि नहीं। तो बस इतना ही आपका स्टेप टू का हर एक डिटेल्स। एंड यहाँ पर और एक पॉइंट है कि विड्रॉल प्रोसेस बोलकर एक प्रोसेस होता है जिसका थ्रू आप जो है काउंसलिंग से ही विड्रॉल हो जाते हो, मतलब आप जो है काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। एंड इसके साथ ही साथ आपने अगर कोई सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। एंड विड्रॉल प्रोसेस कैन बी डन ओनली इन सेकेंड राउंड, सो बी कॉन्सर्न रिगार्डिंग दिस ऑन, तो सेकेंड राउंड में आपका विड्रॉल प्रोसेस होता है। तो अगर आपको आपका सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन ही वापस लेना है तो फिर जाके आप जो है विड्रॉल प्रोसेस पर आपका काम कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेप टू मतलब सेकेंड और अपग्रेडेशन राउंड हो गया। एंड इसके बाद आपका आता है स्टेप थ्री मतलब मॉपअप राउंड, तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन डिवर्ड फ्रॉम काउंसलिंग। तो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ फर्स्ट राउंड
एंड सेकेंड राउंड में शेयर कर दिया है कि कौन कौन आपका काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएगा एंड वो सभी कैंडिडेट्स आपका काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएगा एंड वो सभी कैंडिडेट्स को छोड़कर आपका अलग जो भी आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो आपका मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद उसका जो फर्स्ट काम होगा कि न्यूली रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। एंड देन आपका आता है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपका बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करोगे। एंड देन आपका सीट अलॉटमेंट होगा एंड सीट अलॉटमेंट के अंदर आपका दोनों कैटेगरी रहेगा, एक अलॉटेड रहेगा एंड और एक रहेगा नॉट अलॉटेड कैटेगरी। तो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स के लिए आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग रहेगा एंड इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट कोटा का थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस या फिर बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर। एंड अलॉटेड कॉलेजेस के लिए आपका दोनों ऑप्शन रहेगा, एक एडमिशन ले लो या फिर ना ले लो, तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो मॉपअप राउंड पर तो आपके हाथ पर कोई भी कॉलेज नहीं रहेगा एंड आपको WBJ काउंसलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा जहां पर आप जो है पार्टिसिपेट करोगे। एंड अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो फर्दर आप जो है इन फ्यूचर वो कॉलेज के साथ आप जो है आपका फ्यूचर बनाओगे। तो बस इतना ही है, तो यही मैंने बताया एक नंबर पॉइंट पर। इफ़ यू हैव नॉट टेकन एडमिशन टिल सेकेंड राउंड देन मस्ट टेक एडमिशन इन मॉपअप, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉलेज। तो ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया ये पॉइंट। देन आपका दो नंबर पॉइंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन एंड एडमिशन मस्ट बी डन विद इन द गिवन शेड्यूल फॉर ईच एंड एवरी राउंड। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन एंड एडमिशन आपको जो है आपका गिवन शेड्यूल पर ही करना है। एंड इसके साथ ही साथ तीन नंबर पॉइंट अगर आप देखोगे तो इफ यू गॉट ए न्यू अलॉटमेंट इन मॉपअप देन द अर्लियर सीट विल बी कैंसिल वेयर यू टू एडमिशन। तो अगर आपको मॉपअप राउंड पर कोई नया कॉलेज मिलता है एंड आप सेकेंड या फिर फर्स्ट राउंड पर कोई कॉलेज पर एडमिशन ले रखे थे तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आपको जो मॉपअप राउंड पर जो कॉलेज मिला है उसका थ्रू आपको जो इन फ्यूचर जाना होगा। तो बस इतना ही आपका फुल प्रोसीड्योर आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड का। तो यहाँ पर आपका और एक पॉइंट है कि सेकेंड राउंड या फिर अपग्रेडेशन राउंड पर आप जो है अपग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपका सेकेंड राउंड और अपग्रेडेशन राउंड आपका नॉर्मल फाइनल राउंड है एंड मॉपअप राउंड आपके लिए एक ऑप्शनल राउंड है, आप पार्टिसिपेट कर भी सकते हो एंड अगर आप नहीं चाहते हो तो आप जो है मॉपअप राउंड पर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो यही आपका स्टेप वाइज WBJ 2023 काउंसलिंग प्रोसीड्योर। एंड अगर आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाता है एंड वहाँ पर कुछ चेंजेस आता है तो ऑब्वियसली आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा एंड रेगुलरली आपको अपडेट शेयर कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय।